नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, बहुत स्ट्रेसफुल समय है आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। पैंडमिक COVID-19 कोरोना वायरस चल रहा है। हर इंसान अपने लिए तो डर ही रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे पे बस उंगली उठा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो खुद के लिए डर के मारे कि कोई मेरी जांच नहीं कर रहा, कोई मेरा टेस्ट नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। डॉक्टर डर रहे हैं कि पेशेंट देखेंगे तो उनको क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनको तो नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट डर रही है कि सब कुछ खोल दिया तो अगर इतने सारे ICU में पेशेंट्स आ गए भर्ती होने के लिए, जैसे US में हो रहा है, जैसा कई जगहों पे हो रहा है, तो क्या करेंगे? पेशेंट्स को, डॉक्टरों को, जनता को, गवर्नमेंट को डर लग रहा है। सबको एंजाइटी है कि क्या होगा। मुझे खुद को एंजाइटी है, क्या होगा। ये हमारा क्लिनिक है जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं। कई लोगों का सवाल उठता है कि भाई सारा दिन आप क्या करते हैं? दोस्तों, 10 मिनट लगते हैं वीडियो बनाने में, एडिट करने के लिए 10 मिनट और लग जाते हैं। सारे टेम्पलेट बने हुए हैं, बस वीडियो डाल के सेव करने लगा देना है, 10 मिनट लग जाते हैं अपलोड करने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा एक्टिंग वाला चैनल नहीं है कि हम एडिट कर करके उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना है, कुछ करना है, नहीं। सिंपल साफ है, आपको जानकारी देते हैं। ये हमारे तरफ से कोशिश है कि आपको सही जानकारी मिले, और वो सही जानकारी ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से देते हैं, अपने तरफ से देते हैं। हम देते हैं जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन होती है, जो इंटरनेशनली मेडिकल फील्ड में एक्सेप्टेड नॉलेज होती है, रिसर्च से प्रूवन नॉलेज होती है। नॉट जस्ट वन रिसर्च, कंपाइलेशन ऑफ रिसर्च मेटा एनालिसिस से। पहली बात ये उद्देश्य है हमारे इस डॉक्टर एजुकेशन चैनल का। पर ये अलग बात हो गई। बात है सही, जो जरूरी बात है वो है कि क्या क्या स्ट्रेस, क्यों स्ट्रेस अभी इस वक्त आप लोगों के सर पे है, क्यों लोग आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, क्यों गलत जानकारियां आ रही हैं, क्यों लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्यों लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, कब तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, क्यों पेशेंट्स को, जिनको पता चल जाता है कि उनको कोरोना वायरस हो गया है, COVID-19 पॉजिटिव है, उनको घर नहीं जाने दिया जाता, क्यों उनको क्वारंटाइन किया जाता है, क्यों उनको दूसरों से इन्फेक्ट, दूसरों से मिलने से रोका जाता है। कई लोगों के सर मन में ऐसे सवाल होते हैं, क्यों आयुर्वेदा ट्राई नहीं किया जा रहा। कई लोग सिर्फ अपने लिए स्ट्रेस्ड हैं कि मुझे हो गया तो क्या होगा। चाहे उम्र 20-22 साल की हो, जहाँ पे आपके बीमार होने के चांसेस 99% नहीं है, मेनली बहुत ज़्यादा, बहुत ना के बराबर आपके मरने के चांसेस 0.3%, इससे ज़्यादा मरने के चांस आपके सड़क पे जब आप गाड़ी निकलते हो तब है। इसका मतलब आप खुला घूम सकते हो, नहीं। आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम है कि आप दूसरों को ये फैला ना दो। आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड ऐसा क्यों कर रही है। ये खेल, सवाल एंजाइटी का है। एंजाइटी को आप सब लोग महसूस कर चुके हैं आज नहीं तो कल, या कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। हमें एंजाइटी होती है जब एक पेशेंट फ़ोन करके बोलता है कि सर दिक्कत हो रही है, मैं आपके पास आ जाऊं, तब हमें लगता है कि हम बुला लें कि ना बुलाएं, क्या पता इसको COVID-19 हो, उससे हमें हो जाए, हमसे माताजी को हो जाए, हमसे बच्चों को हो जाए। हमें डर लगता है अस्पताल जाने के बाद, अस्पताल में पेशेंट से सबसे मिल के एग्ज़ामिनेशन करने में, क्योंकि हमारे पास में अस्पतालों में प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, PPE नहीं है। जी हाँ, PPE नहीं है। PPE नहीं का मतलब है कि बिना
बिना ग्लव्स के, बिना प्रॉपर हाथ में उसके, आपको गरम गरम चीज़ों को हाथ लगाने के लिए कहा जा रहा है। आप लगाएंगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेस है, आप लोगों को स्ट्रेस है जब भीड़ देख लेते हैं बाहर निकलते हैं लोगों की, इतने सारे लोग बाहर निकल के, हे भगवान अब तो लॉकडाउन बंद नहीं होगा, मेरी नौकरी, मेरे पास खाने को नहीं है, क्या करेंगे, गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं करेगी, इतने करोड़ों का उनको डोनेशन आया है पीएम फंड में, वो मिल रहा है लोगों को नहीं मिल रहा, या आज भी अब भी लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं, कुछ नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है तो पता है, नहीं पता नहीं पता। आ गई बीमारी है, किसी ने नहीं सोचा था आएगी ऐसी बीमारी, ऐसा होगा, लेकिन डर सबको लग रहा है। डर से बचने का जो कारण, जो चीज़ मैं करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा सबसे पहला जो सिंपल सा हिसाब होता है कि मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता। आप दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार गूगल पे टाइप करके न्यूज़ हाइलाइट्स पढ़ सकते हो कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि जो बताने वाली खबर है वो वैसी बार 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 बताई जाती है, कोई ना कोई आपको बता देगा। कभी कभी आपको नहीं पता चलता है और हो सकता है आपको ट्रैफिक पुलिस वाले बता दे, अरे भाई ऐसा नया रूल आया है, एक जन सामने बैठेगा एक जन पीछे बैठेगा, साथ में बैठ के गाड़ी मत चलाना। मैं कहा अच्छा जी धन्यवाद बताने के लिए, मानते हैं चलो। तो बात यह है कि जी हाँ लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, आप घर पे हो, नुकसान है, चिंता है, डर है, सैनिटाइज़र ख़त्म हो रहा है, खाना ख़त्म हो रहा है, अनाज मिल नहीं रहा, क्या करें। देखिए भरोसा तो रखना पड़ेगा, कुछ दिनों की बात है, अभी फ़िलहाल ये दिक्कतें चल रही हैं। सबसे पहला काम करिए, न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दीजिए, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये देख लीजिए कि न्यूज़ हाईलाइट कब आती है, जो आती है ना सुपर फास्ट 100 न्यूज़, वो 100 न्यूज़ के ऊपर कुछ नहीं है। अगर कोई चैनल है उसके पास में न्यूज़ हाईलाइट है तो वो न्यूज़ हाईलाइट देखिए, उसके ऊपर कुछ मत देखिए, उसके डिटेल में, उसके बारे में इसने क्या बोला उसने क्या बोला, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा एन्जाइटी का कारण वही है, न्यूज़ चैनल्स वो बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप में आने वाले जितने भी आपके फॉरवर्डेड मैसेजेस इस तरीके से हैं, इसके बारे में है, कोरोना के बारे में है, उनको देखना बंद कर दीजिए। आपका घर है, आपको सिर्फ ये ज़रूर पता है जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो बता दी गई हैं, उससे ऊपर कोई प्रिकॉशन है नहीं, बात समझे। बंद कर दीजिए सारे न्यूज़ चैनल देखना, बंद कर दीजिए सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के हर मैसेज पढ़ना, बंद कर दीजिए हर मैसेज को टटोलना और गलत जानकारियों पे भरोसा करना। और सबसे ज़रूरी है आपका अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम बिताना। सबसे ज़रूरी है थोड़ा हंसना, खिलखिलाना, थोड़ा गाना गाना, थोड़ा नाचना, थोड़ी पिक्चरें देखनी, ये ज़रूरी है। अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ समय बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए। क्वालिटी टाइम बिताइए, उसी से आपका एन्जाइटी कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। चिंता मत करिए, ये समय है, ये समय पास हो जाएगा और थोड़े दिनों की बात है। और आपसे ज़्यादा स्ट्रेस तो मुझे है, मेरे हर आजकल के हर वीडियो पे डिसलाइक ज़्यादा आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। पहले आप में से कई सारे लोगों ने हमें कहा, भाई साहब एक ये डॉक्टर है, इनके बारे में बताइए, ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अव्वल तो मैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी में पढ़ना नहीं चाहता था पहले से, वरना तो आप लोग मुझे कई महीनों से कह रहे हैं, फिर आखिरकार मुझे बताना पड़ा तो हमने बताया। अब उनकी सोशल मीडिया की पूरी पूरी आर्मी है जो पीछे पड़ी हुई है, हर चैनल पे, हर हर वीडियो पे डिसलाइक, हर वीडियो पे कमेंट, उल्टे सीधे कमेंट, अच्छा नहीं लगता पढ़ के। क्यों? आप ही में से कई लोग हैं जो पहले उनके खिलाफ़ पहले बोलते हैं कि उनके खिलाफ़ बोलो, अब जब आप लोगों को साथ देना चाहिए ना कि भाई आपके आपके लिए बोला, आपको सच्चाई बताया है, प्रूफ किया है, 1-on-1 डिबेट की है, सब करी है, सब कुछ क्लियर हो गया, समझदार हो। आप कहते हो सर इग्नोर करो, इग्नोर करो, हम नहीं कह रहे आप जाओ उनको जवाब दो, पर आपके पास एक झंडा तो है, एक फ्लैग तो कर सकते हो। एक इंसान के फ्लैग करने से कुछ नहीं होगा,
आपको फ्लैग करना पड़ेगा हर उस कमेंट को जो गलत जानकारी देता है, हर उस वीडियो को जो गलत जानकारी देता है। अगर आप सिर्फ फ्लैग कर दोगे कि ये मिसलीडिंग है, तो वो वीडियो कुछ ही दिनों में आराम से YouTube से निकल जाएगा, वो जानकारी, गलत जानकारी आगे लोगों तक नहीं फैलेगी। वो इंसान जो ऐसे गलत वर्ड्स इस्तेमाल कर, अब शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो बैन हो जाएगा, वो ये कर नहीं पाएगा जो ये कर रहे हैं। मगर आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा तो मुझे है कि आगे ऐसे दुनिया में आप लोगों की बात माने या ना माने, बाकी सब तो छोड़ो। बाकी हमारे तरफ से आपको जो सलाह है वो यही है, न्यूज़ चैनल मत देखिए, डीप ब्रीदिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, बच्चों के साथ टाइम बिताइए, खुश रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थोड़े दिन की बात है, ये सब ठीक हो जाएगा। कितने दिन की बात है? जितने दिन सब एक साथ एकजुट होकर इसको अपना लेंगे कि ये ज़रूरी है, लॉकडाउन प्रिकॉशंस ज़रूरी है, बस।